सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाते हैं पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है पर जो रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। आज का पंचांग 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार, अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 6:06 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 2:36 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:34 से 11:36 तक रहेगा। आज का बीजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर शाम 4:59 तक रहेंगे। इसके उपरांत कर्क राशि पर प्रवेश करेंगे। सिंह राशि 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार, आप पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपना रहे हैं। आप कुछ अलग ना सोचें, इसका प्रभाव औरों पर अच्छा नहीं पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले ये मूल्यांकन दोबारा कर लें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और दूसरी चीजें खरीदने हेतु समय उपयुक्त है। घर में मांगलिक कार्य के संपन्न करने की योजनाएं बनेगी। आप दिन का अधिकतर समय परिवार के साथ हंसी मजाक और मनोरंजन में व्यतीत होगा। थकान और व्यस्तता भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। अपने अंदर उत्साह और ताजगी महसूस करेंगे। यात्रा से संबंधित नियोजन किया जा सकता है। यात्रा करते समय सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पूर्ण परिचित मित्रों के साथ मुलाकात अचानक से हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताने का मौका आपको प्राप्त होगा जिसके द्वारा एक दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयत्न दोनों पक्षों के द्वारा किया जा सकता है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए दिन की शुरुआत कठिन हो सकती है लेकिन कार्य आपके पूरे होने वाले हैं। पति पत्नी एक दूसरे की समस्या को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन संवाद कम होने की वजह से एक दूसरे के प्रति थोड़ी नाराजगी भी महसूस हो सकती है। दे सकता है ध्यान रखें। सावधानियां, संतान की किसी गतिविधि को लेकर चिंता रह सकती है परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाना उचित रहेगा। उस समय परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। इस समय अपने खर्चों पर भी काबू रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। साथी को मुलाकात का अवसर भी मिलेगा। आज के दिन आपके लिए बहुत खास होगा। आपको अपने मन की बात बताने का मौका मिल सकता है लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। अपनी बात छोटे और अर्थपूर्ण तरीके से पूरी करें। आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने और आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने के और भी मौके मिलेंगे। जो बात आपके मन में कई दिनों से है उसे सामने आने दें। बात करते हैं करियर की। आप अपने करियर की शुरुआत में हैं इसलिए आपको सीढ़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पद को देखने की जरूरत है। इन स्थानों में की गई कोई गलती का भुगतान आपको बाद में पता चल सकता है। खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकालें। आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है। जिम्मेदारियों की वजह से बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे
लेकिन सहकर्मियों की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। मशीनरी, कारखाने आदि से संबंधित व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती है। ऑफिस में भी व्यर्थ की गतिविधियों के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। बात करते हैं सेहत की। आपकी शारीरिक सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मानसिक तनाव की वजह से काफ़ी थकान और आलस सा महसूस कर रही हैं। आप आज ऐसे किसी भी काम में भाग नहीं लेना चाहते जिससे आपको तनाव हो। इसके बजाय आप बाहर बैठकर धूप या हवा खाना चाहते हैं। आराम से दिन बिताएं, खूब पानी पिए और कल सुबह तरोताजा उठने के लिए पर्याप्त नींद लें। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, जिस प्रकार रोजाना मेहनत करने के लिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सकारात्मक विचार और प्रेरणा हमारे मन मस्तिष्क को शक्ति प्रदान कर हमें जीवन के विपरीत परिस्थितियों से लड़ने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसी प्रयास में हमारे चैनल वीजे मोटिवेशनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका दिन शुभ हो।